आई एम डॉक्टर एच एस गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। डियर स्टूडेंट, आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिकों या क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत CFT जो है हंस बैथे नाम के वैज्ञानिक ने दिया, जिसकी सहायता से हम उपसंयोजन यौगिकों के विभिन्न गुणों को समझ सकते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाता। या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं बच्चों कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो बहुत से गुणों को नहीं समझा पाती थी, उसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा समझते हैं। और ये बहुत ही जो है उपयोगी सिद्धांत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो हम आज इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्रिस्टल फील्ड जो सिद्धांत है, इसके मूल जो पोस्टुलेट मुख्य बिंदु क्या हैं, उसके बारे में मैं वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये धातु व लिगेंड के बंध को 100% आयनिक मानता है। इसके अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करते हैं, तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, अर्थात संकुल में केंद्रीय धनायन से घिरे ऋणायन जैसे F- Cl- Cn- आदि जो हैं, उन्हें हम बिंदु आवेश कहते हैं, तथा उदासीन अणु जैसे NH3 है, H2O है, जिन्हें हम बिंदु द्विध्रुव पॉइंट डाइपोल कहा जाता है, का संयुग्मन होता है, या वो मेटल के साथ धातु आयन धातु आयन के साथ जोड़ते हैं, या धातु आयन तथा लिगेंड्स धातु आयन जो कि बिंदु आवेश है, तथा लिगेंड जो कि ऋण बिंदु आवेश के मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिससे ये जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, CFT के अनुसार धातु आयन कक्षकों का लिगेंडों के कक्षकों से कोई अतिव्यापन नहीं होता, बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होते, अर्थात लिगेंड यह सिद्धांत लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का धातु आयन की डी कक्षक में जाना अस्वीकार करता है। अब इस पॉइंट को आप भली बात समझ रहे। देखिए, जब हमने CFT क्रिस्टल फील्ड, जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह कहा था कि धातु और लिगेंड की कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है धातु की डी कक्षक में जाते हैं। लेकिन ये जो CFT सिद्धांत है, इस बात को टोटली डिनाई करता है, मना करता है। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य में ओवरलैपिंग होती है, और ना ही लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसमें धातु की कक्षकों में जाते हैं। ये जो बंध है, ये पूर्णतः क्या है, आयनिक बंध है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट इस जो है, जो बैथे नाम के जो है वैज्ञानिक ने बताया, वो ये है कि क्रिस्टलों को आयनिक क्रिस्टल जालक के रूप में मैं सोचा था, और आयनिक क्रिस्टल जालक में एक विलगित धनायन को घेरे रखने वाले ऋणायनों के प्रभाव के आधार पर यह पाया गया कि स्वतंत्र धातु आयन में कक्षकों की संभ्रंशता डीजनरेसी का बना रहना, समाप्त हो जाना क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है। ठीक, सेकंड पॉइंट इसका ये था, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र को समझने के लिए डी कक्षकों की आकृति एवं उनके अभिविन्यास की जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब ये सिद्धांत यह कहता है कि जो धातु जो होते हैं, जिनके पास में डी कक्षक वाले जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो उनमें डी कक्षक जो 5 डी कक्षक हैं, उनकी क्या तो आक्षेप है और क्या उनका ओरिएंटेशन है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि स्वतंत्र धातु आयन के जो डी कक्षकों की जो डीजनरेसी है, संभ्रंशता है, लिगेंडों द्वारा संकुन बनाते समय समाप्त हो जाती है। यदि क्रिस्टल क्षेत्र की सममिति गोलाकार से भिन्न होगी, तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होगी, अतः डी कक्षकों का विभाजन
क्रस्टल क्षेत्र की ज्यामिति पर निर्भर करेगा। इसको आप इस ढंग से समझ लीजिए कि जब मेटल से लिगेंड जुड़ेगा तो जो मेटल के पास में जो 5D कक्षक है, जो डीजनरेट सेट है, जिनकी पांचों की एनर्जी समान है, तो उन पांचों की एनर्जी है वो समान नहीं रहेगी। वो कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, कुछ की घट जाएगी। अब किस कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी और किसकी घटेगी, ये जो है उस शेप पर डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स की शेप पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है डी कक्षकों का इसमें विभाजन या स्प्लाइटिंग हो जाएगी। ये CFT का ये 5 पॉइंट इसका जो कहना है। नेक्स्ट जो है इस सिद्धांत का 6 पॉइंट है कि इस क्रिस्टल फिर विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा के हो जाते हैं, जबकि कुछ कक्षक जो है एवरेज एनर्जी से हायर एनर्जी के हो जाते हैं। और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या है कि जब कुछ की ऊर्जा एवरेज एनर्जी से औसत ऊर्जा से घट जाएगी, कुछ की बढ़ जाएगी, तो इन कक्षकों में हम जो है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण करेंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो कक्षक डी कक्षक लो एनर्जी की है उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो वो भरने के पश्चात जो कक्षक हायर एनर्जी की है उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। और जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कुछ मात्रा में क्या है, कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, रिलीज होगी, और इस मुक्त हुई ऊर्जा को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE कहते हैं। और ये जो CFSE है वो डी कक्षकों के विभाजन से जो सेट भर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी द्वारा संकुलों के उष्मागतिक गुणों, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को आसानी से समझाया जा सकता है। इसके द्वारा संकुल धातु आयनों के रंग गुण, उनके चुंबकीय गुण, उनके अवशोषण स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की व्याख्या की जा सकती है। देखिए, जो कि हमने जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था वो इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी द्वारा संकुलों के ना हम रंग को समझा सकते थे, ना ही उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझा सकते थे, और ना ही उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझा सकते थे। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा, CFT के द्वारा, हम ये सभी गुणों को आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का वो है कि क्रिस्टल फील्ड में, क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का जो स्प्लाइटिंग होती है या विपटन होता है वो इस प्रकार से होता है कि कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर होती है, अर्थात स्प्लाइटिंग में तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कम ऊर्जा वाले कक्षक अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर जो होता है वो टेन डी क्यू या डेल कहलाता है। मतलब जितनी ऊर्जा घटेगी एवरेज एनर्जी से उतनी ही बढ़ेगी, और टोटल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब उसमें ना कोई वृद्धि होगी ना घटोतरी होगी, मतलब वो स्टेबल रहेगी। टेन डी क्यू निश्चित सम्मति ज्यामिति के संकुलों में धातु डी कक्षकों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी कहते हैं, CFSE। जो टेन डी क्यू का जो है या डेल है वो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। और इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसको हम जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर CFSE को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो ये है कि बे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र 10DQ या डेल का मान कम होता है, उन्हें हम दुर्बल फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और जो लिगेंड जिनके द्वारा 10DQ या डेल का मान अधिक होता है उन्हें हम प्रबल फील्ड लिगेंड कहते हैं, है ना। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल से लिगेंड जुड़ेगा, तो जब मेटल से लिगेंड जुड़ेगा तो जो डी कक्षक है उस डी कक्षक का विभाजन होगा, स्प्लाइटिंग होगी। उस डी कक्षक
में जो 5D कक्षक है उस डी जो कक्षक में जो 5D कक्षक है उसमें कुछ कक्षकों की ऊर्जा एवरेज एनर्जी से घटेगी और कुछ की बढ़ेगी। कहने का मतलब जो कक्षकों की ऊर्जा घटी और बढ़ी है उसके मध्य में जो एनर्जी का गैप है उसको हम क्रिस्टल फेड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, डेल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, NDQ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेटल से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है, मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो जो है उन कक्षकों की ऊर्जा का अंतर ज़्यादा होगा। और अगर मेटल से वीक लिगेंड जुड़ा है तो उन कक्षकों जो विभाजित हुई है उन कक्षकों की जिनकी ऊर्जा कुछ की घटी है कुछ की बड़ी है एवरेज एनर्जी है उनका जो एनर्जी गैप है वो कम होगा। तो जिनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होगा वो कब होगा, जब उस मेटल से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े, और जिनमें एनर्जी गैप कम होगा वो कब होगा, जब मेटल से वीक लिगेंड जुड़े। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड द्वारा डेल के मान प्रभावित होते हैं, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड से जो है वो ये डेल के मान यहाँ पर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो कि थर्ड ईयर के में सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गुणों को समझने के लिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि आपने उसमें सेकेंड ईयर में पढ़ी थी उसको उसकी कमी को दूर करने के लिए थर्ड ईयर में यहाँ पर जो है थर्ड ईयर के सिलेबस में यहाँ पर CFT क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत आया। और ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत उन चीज़ों को या उन गुणों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उन गुणों को समझाएगा जो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाया था, तो ये बाथे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके मुख्य बिंदु हमने यहाँ पर पढ़े। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको इसका कंक्लूजन बता दूँ, आपको ढंग से 2 मिनट में उसको समझा देता हूँ। देखिए जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो कहता था कि मेटल और लिगेंड के मध्य में या जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसका नेचर जो था वो कोवेलेंट था, तो ये इसको बिल्कुल नहीं मानता। ये कहता है कि मेटल और लिगेंड या कोऑर्डिनेशन के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है वो आयनिक है, और ये मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य में मेटल और लिगेंड के मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव पोल होगा एक नेगेटिव पोल होगा, उनके मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से बनेगा। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के मध्य में की कक्षकों के मध्य में ओवरलैपिंग होगी उससे बनेगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा इसमें जो ड्रास्टिक चेंज है वो ये है कि जब मेटल से लिगेंड जुड़ेगा तो मेटल के पास में जो 5D कक्षक है वो 5D कक्षकों की डी जनरेसी, मतलब 5D कक्षक जो समान ऊर्जा की थी उनकी 5D कक्षकों की डी जनरेसी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। कहने के मतलब वो पाँचों कक्षक समान ऊर्जा की नहीं रहेगी, कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी कुछ की यहाँ पर घटेगी। इसलिए यहाँ पर जो है कक्षकों का विभाजन होगा, स्प्लाइटिंग होगी, और इसलिए यहाँ पर जो है वर्ड जो आ रहा है वो ये आ रहा है स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और जिससे वो स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल उससे यहाँ पर कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अंतर जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होता है, वो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसने एक्सप्लेन की है, CFT ने बताया। तो आप यहाँ पर इस चीज़ से आप यहाँ पर जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाला था, वहाँ ओवरलैपिंग हुई थी, CFT इस तरीके का कोई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में या जब ओवरलैपिंग ही नहीं होती उनके मध्य में, तो यहाँ पर CFT इसको डिनाई करती है। इसलिए यहाँ पर बेसिक डिफरेंस इसमें बहुत बड़ा ये है, वो कोवेलेंट बॉन्ड मानती है और ये यहाँ पर जो है आयनिक बॉन्ड मानती है CFT थ्योरी। इसलिए दोनों थ्योरी के अंदर बहुत ही मेजर डिफरेंस है। बहुत सारी जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कॉम्प्लेक्स के, है ना, और जो है ये वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उनके कलर प्रॉपर्टी है, इन चीज़ को जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाती थी CFT उसको यहाँ पर समझाएगी, और कि पूरी CFT यहाँ पर उनको समझाएगी और वो हमें यहाँ पर समझने को मिलेगी और ये देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उपसेषज यौगिकों का जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है काफ़ी उपयोगी सिद्धांत है। इसके हमने केवल इस लेक्चर्स में केवल इसके इस सिद्धांत के मेन पॉइंट्स पोस्टुलेट्स यहाँ पर हमने पढ़े हैं, मुख्य बिंदु यहाँ पर हमने पढ़े हैं, समझे हैं, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझें आप इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।